क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 का फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी मैट्रिक्स ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2 × 3 माइनस माइनस 2 × 4। ये कैसे आया, ये तो आपको आता ही होगा स्टूडेंट्स, 2 × 3 6 माइनस 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 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल, इट्स इनवर्स इज पॉसिबल एंड एंड इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही होता है डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले हम a11 निकाल लेंगे, a11 इज इक्वल टू 3, a12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 2 1 2 4 दैट इज माइनस 4, a21 मतलब माइनस 2 1 माइनस 2, माइनस ऑफ माइनस 2 इज योर 2 एंड a22 2 2 मतलब 2। सो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा, a11 a12 a21 a22, इस सारे का ट्रांसपोज, दैट इज a11 कितना है 3, 1 2 कितना है माइनस 4, 2 1 कितना है 2 और 2 2 कितना है। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज 1 बाय ए इनवर्स कितना है 14 इंटू 3 2 माइनस 4 2। ठीक है, तो दिस इज द ए इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स।